फर्स्ट क्वेश्चन वो है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? जो मोटर गाड़ियों से निकलती है गैस, वह कौन सी गैस होती है? तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या सूत्र होता है? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किससे में परिभाषित किया गया है? यानी सोने की शुद्धता को किसके द्वारा जाना जाता है? तो यह कैरेट के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कुल वह है 8 ग्रह हैं। अब हम बात करें 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। और 3 बौने ग्रह भी हैं, वो हैं सिरेस, प्लूटो एंड एरिस। ये जो हैं 3 बौने ग्रह भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी जो इस गुब्बारे को उड़ा भी दिया जाता है उसमें कौन से गैस भरा जाता है? तो होता है हाइड्रोजन गैस होता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2, हाइड्रोजन गैस का। और यह सबसे हल्का गैस होने के कारण इसे गुब्बारे में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो है शंकराचार्य जी हैं, उन्हें वेदों के सृष्टि रचयिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, चांद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं? यानी भारत में हीरे की खाने कहाँ हैं? तो पन्ना, मध्य प्रदेश में जो है हीरा के खान के रूप में इसे प्रसिद्ध है यह स्थल। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया गया उपदेश जो है वहाँ उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो भागवत गीता में मिलता है इसका वर्णन। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किए थे। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह क्या है? वंदे मातरम। और इसको किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने का जो टाइम है वह कितना है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नवलिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, 1928 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो थे वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे दिया गया था। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो है सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? जो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी वह थी दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोली कांड कब हुआ था? जो धामी गोली कांड हुआ था वह 16 जुलाई 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था, 16 जुलाई को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? जो भारत का संविधान का संरक्षण वह है उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट जो है वह भारत के संविधान का देख रेख करने का
पक्ष में है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है वह 1919 में पारित किया गया था संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? जो छोटा नागपुर पठार की चोटी है वह पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक कौन से राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादक झारखंड स्टेट जो है वहाँ पर होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? जो भारत के सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जाने जाते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति जो होता है, और राष्ट्रपति जो होता है किसी देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो वह कौन सा देश है? चाइना जो है देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में दूसरे पायदान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने कुल भेद हैं? तो 8 भेद हैं कुल कारक के। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ड्राई आइस क्या होता है? जो ड्राई आइस होता है क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई गैस कहा, ड्राई आइस कहा जाता है। खाना पकाने वाले एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? तो खाना पकाने वाला जो एलपीजी गैस होता है वह मिश्रण होता है प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। प्रोपेन एवं ब्यूटेन का ये भी क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्युत बल में भरी जाती है, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो होता है नाइट्रोजन गैस होता है विद्युत बल में। किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? यहाँ पर क्या है, किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल जो होता है उसे स्टैंडर्ड मानक सेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? जो एंडीज मच्छर होते हैं उनके काटने से डेंगू बुखार होता है। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक इसका डेंसिटी होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है नील क्रांति का संबंध। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल स्टेट जो है वह मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें भारत की, तो सबसे बड़ा स्टेट जो है वह राजस्थान है। और यदि आबादी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में उड़ने वाली गैस जो होती है वह हीलियम गैस भरी जाती है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, और इसका जो प्रतीक होता है HE होता है। और सबसे हल्की गैस जो होती है वह होता है हाइड्रोजन गैस। और हीलियम जो गैस है वह उड़ने वाले गुब्बारों में भरी जाती है। प्राथमिक रंग कौन सा है? जो प्राथमिक रंग है वह कौन सा है? वह लाल, हरा और नीला है। यह 3 रंग जो हैं उसे प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है, लाल, हरा एंड नीला। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो थे वह क्या खोजे थे? पेनिसिलिन का खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। तारा जो ऑप्शन होगा उसे करेक्ट कर देंगे। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है वह मेघ अस्थनीज की रचना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो डांडी मार्च है वह 1930 में शुरू किया गया था। बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती है प्रतीत हो तो यह किस चीज़ का संकेत करती है? जो बैरोमीटर होता है यदि उसकी रीडिंग नीचे जाती है प्रतीत होती है तो किसका प्रतीक होता है? यह होता है तूफान का प्रतीक होता है। बायरोमीटर क्या होता है? इसके द्वारा प्रेशर को मेजर किया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो